इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या आज भी पुरुषों से काफ़ी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में डिजिटल जेंडर गैप 17% है। दुनिया भर में लोग तेजी से इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ बाधाओं की वजह से अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। यूएन की एक एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की रिपोर्ट मेजरिंग डिजिटल डेवलपमेंट में ये बात सामने आई है कि साल दर साल इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। साल 2017 में दुनिया भर में 3.5 बिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, जो साल 2018 में बढ़कर 3.8 बिलियन हो गए, और ऐसी उम्मीद है कि साल 2019 के अंत तक ये संख्या बढ़कर 4.1 बिलियन हो जाएगी, यानी 5.3% की बढ़त। इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ डिजिटल जेंडर गैप भी बढ़ रहा है। फिलहाल दुनिया भर में 58% पुरुष इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पुरुषों की तुलना में सिर्फ 48% महिलाएं ही इंटरनेट से जुड़ी हैं। यानी दुनिया भर में ये गैप 17% है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 से साल 2019 तक हर साल इंटरनेट यूजर्स की संख्या औसतन 10% बढ़ी है। इनमें से 87% इंटरनेट यूजर्स विकसित देशों से है, और सबसे कम विकसित देशों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या सबसे कम है, सिर्फ 19%। अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो यूरोप में सबसे ज्यादा 82.5% इंटरनेट यूजर्स हैं, और अफ्रीका में सबसे कम 28.2%। टॉप 10 देशों में आइसलैंड, कतर और कुवैत में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। भारत के आंकड़े इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। ललिता कश्यप, गो न्यूज़।